नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ लोग हैं, वे लोग एक बच्ची को उठा करके फेंक रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। जो धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भविष्य बताने का दावा करते हैं, उसी धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं पता कि उनके ही प्रोग्राम में भगदड़ मचेगी, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, एक बच्ची को फेंका जाएगा जो कि भक्त है। इसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ भी नहीं पता। लोगों को बरगलाना, लोगों को बहकाना, भीड़ इकट्ठा कर लेना, ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का मेन काम यही बन गया है, टीवी के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचना और लोगों को बताना कि देखिए मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं लोगों का भविष्य जानता हूं, जो मैं कहता हूं होता वही है। लेकिन श्याम मानव जब चैलेंज करते हैं तो यही धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से भाग करके चले आते हैं बागेश्वर धाम। दिल्ली में इनका दरबार लगता है, कुछ कर नहीं पाए चमत्कार। इसके साथ ही जब ग्रेटर नोएडा में इनका दरबार लगता है, जिसे लोग कहते हैं कि दिव्य दरबार लग रहा है बाबा का, और तमाम लोग उसमें पहुंचते भी हैं, हालांकि भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, भीड़ तो भैया मदारी वाले भी जुटा लेते हैं जो आपके गांव में मदारी लगाने के लिए आते हैं, उनके पास भी 10-20, 100-50, 200-500 लोग आसानी के साथ आ जाते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री लगता है कि वे भीड़ जुटा रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत कमाल कर दिया है। तमाम लोग रिएक्शंस आ रहे हैं अब जो सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। और जब बच्ची को फेंका गया, दरअसल उस समय वहां पर पुलिस के कई जवान मौजूद थे, यानी पुलिस निगरानी में सब कुछ हो रहा है। और एक कहावत है, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। ये लाइन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब दिल्ली में बाबा का दिव्य दरबार लगा था, कथित तौर पर बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, तो किस तरीके से एडिशनल DCP धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे थे, वीडियो वायरल हुआ, काफी बवाल भी मचा था। लेकिन देखिए पुनीत कुमार सिंह ट्वीट करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के नोएडा कार्यक्रम में जमकर गुंडई हो रही है, बाबा के गुंडे लोगों को उठा करके इधर से उधर फेंक रहे हैं, एक युवती को बाबा का बाउंसर उठा बैरिकेटिंग के उस पार फेंक रहा है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये रग्बी फुटबॉल का मैच खिलवा रहे हो क्या? वहीं देखिए सदव आफरीन ने ट्वीट किया है, नोएडा बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से एक युवती को उठाकर बैरिकेड्स की दूसरी तरफ फेंक दिया गया, मानो वह युवती इंसान नहीं कूड़े का ढेर हो। वहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उनका भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने लिखा ग्रेटर नोएडा का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस दुष्कृत्य पर अत्यंत शर्मिंदा हूँ। वीडियो में दिख रहा है कि कथित बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का गुंडा एक बहन को उठाकर कूड़े की तरह फेंक रहा है, उससे भी ज़्यादा शर्मनाक यह है कि पुलिस अधिकारी चुपचाप देख रहा है, नोएडा पुलिस कृपया संज्ञान ले। यानी भगदड़ मच जाती है तो तकरीबन 10 लोग घायल हो जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है। सदव आफरीन का दूसरा ट्वीट आया है, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में भगदड़ मचने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, VIP गेट से कुछ लोगों की एंट्री दी जा रही थी, इसी बीच एक महिला को करंट लग गया और भगदड़ मच गई, भगदड़ मचने का मुख्य कारण इंतजाम से ज़्यादा भीड़ जुटना बताया जा रहा है। यानी वहाँ पर बच्चियों को, महिलाओं को, युवतियों को फेंका जा रहा है, भगदड़ मच जा रही है, एक महिला के मुंह से खून निकल रहा है। मैं उस तस्वीर को नहीं दिखा सकता, वो तस्वीर बहुत ही ज़्यादा विभत्स है, परेशान करने वाली तस्वीर है। लेकिन सवाल सीधा मेरा धीरेन्द्र शास्त्री से है, अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका भविष्य क्या है? आपके प्रोग्राम का भविष्य क्या है? आपके दिव्य दरबार का भविष्य क्या है? आपको पता ही नहीं, आप कहते हैं मैं तो और लोगों का भविष्य बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे भैया, जो लोग पहुँचे थे इसमें 95% या 99% हिंदू ही थे, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो और हिंदू बेटियों को आप फिकवा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है साहब? संजय त्रिपाठी जी का भी ट्वीट आया है, अति सुंदरम,
एक किशोरी को बैरिकेडिंग से ऐसे फेंका जा रहा है जैसे कूड़े की पोटली हो। धन्य है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जिनकी नाक के नीचे उनके गुंडे ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। क्या गलती की होगी इस किशोरी ने जो ऐसी सजा, अब कहाँ गए ठेकेदार, कोई जवाब है, शर्म करो। लोग एकजुट हो जा रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फेंकने का काम लगातार किया जा रहा है और बाबा जो हैं कि अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। बाबा सिर्फ जाते हैं, हंसते हैं, ठठरी बधवाने की बात करते हैं और नारी सम्मान से कोई मतलब नहीं है। अश्विनी यादव का ट्वीट आया है, एक किशोरी को एक पुरुष ने गलत तरीके से छूते हुए उठाकर बैरिकेड के बाहर किसी कूड़े की बोरी की तरह फेंक दिया। स्वघोषित दिव्य दरबार वाले धीरेन्द्र शास्त्री के आगे ही सब कुकृत हो रहा था और उनके मुख से एक शब्द ना निकला, यानी उन्हें नारी सम्मान से कोई मतलब ही नहीं है। असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेने का काम करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता। धीरेन्द्र शास्त्री के सामने ही एक युवती को फेंका जा रहा है कूड़े की ढेर की तरह और धीरेन्द्र शास्त्री एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? और धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ कहते हैं कि मैं लोगों का भविष्य बता रहा हूँ, लेकिन सच ये है इन्हें अपने बारे में अपना भविष्य तो खुद ही नहीं पता है, ये लोगों के भविष्य क्या ही बताएंगे। आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।